नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में भी संक्रमण की जो रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उससे अच्छी खबर ये है कि ठीक होने वाले मरीजों का जो आंकड़ा है वो भी हर पल बढ़ रहा है। कुल संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 3692 तक पहुंच चुकी है। आंकड़े बढ़े हैं, इसलिए हम ग्राफिक की सहायता ले रहे हैं और अब तक पहुँचा भी रहे हैं। 3692 कुल पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं अब तक बिहार में। वहीं 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1520 लोग, यदि हम आज तक की बात करें, आज 31 मई है, लॉकडाउन के चौथे चरण का अंतिम दिन है, तो 1520 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 2149 लोग फिलहाल अपना उपचार करा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। यदि ये दूसरी ग्राफिक से तस्वीर आप देख सकते होंगे किस तरीके से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भले ही बढ़ा हो, 3692 तक ये आंकड़ा पहुँच गया हो, लेकिन जब 1520 मरीज ठीक हुए हैं तो अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 209 लोग ठीक हुए हैं, जिनमें से ये आंकड़े आप देख सकते होंगे जो हरी रंग की पट्टी है उसमें हम बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में आंकड़े कितने बढ़े हैं ठीक होने वाले मरीजों की। यदि हम राजधानी पटना की बात करें तो 245 कंफर्म केसेस थे और अब तक 102 मरीज ठीक हुए हैं। यदि हम कल की बात करें तो कल पटना के जो जिलाधिकारी हैं कुमार रवि, उनके हवाले से जो हमारी खबर प्राप्त हुई थी कि 175 मरीज अब तक ठीक हुए हैं, उसी खबर को कल लाइव सिटीज ने दिखाया था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट जारी करते हुए ट्विटर पर अपडेट देते हुए ये बताया है कि नहीं, अब तक राजधानी पटना में सिर्फ 102 मरीज ही ठीक हुए हैं और जिसमें से 21 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। वहीं अगर हम बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में पिछले 24 घंटे में 26 मरीज ठीक हुए हैं, रोहतास में पिछले 24 घंटे में 53 मरीज ठीक हुए हैं, मधुबनी में पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक मरीज ठीक हुए हैं, भागलपुर में अब तक कुछ अपडेट जो है वो खास निकल नहीं आया है, क्योंकि अब तक वहाँ पर जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो शून्य ही है पिछले 24 घंटे की सिर्फ अगर हम बात करें तो। वहीं मुंगेर में सब तक 7 मरीज ठीक हुए हैं, खगड़िया में पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज ठीक होने की खबर नहीं आई है, और जहानाबाद में पिछले 24 घंटे में 27 मरीज, कटिहार की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 13 मरीज ठीक होकर अपने घर को वापस जा चुके हैं, बक्सर में पिछले 24 घंटे में कोई भी मरीज ठीक नहीं हुए हैं, बांका में भी पिछले 24 घंटे में कोई अच्छी खबर निकल के नहीं आई है, लेकिन गोपालगंज में 17 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अगर हम शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा में 4 नए मरीज ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और अगर हम बात करें गया की तो गया से भी अच्छी खबर निकल के आई है कि पिछले 24 घंटे में 3 मरीज ठीक हुए हैं, वैशाली में पिछले 24 घंटे में 16 नए मरीज ठीक हुए हैं, समस्तीपुर में पिछले 24 घंटे में 9 मरीज ठीक हुए हैं, और पश्चिमी चंपारण में पिछले 24 घंटे में 4 नए मरीज ठीक हुए हैं, लखीसराय में 8 नए मरीज ठीक हुए हैं। तो ऐसे देखते हुए अगर हम आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स जो आपको आंकड़ा दिखा रहे होंगे उसके तहत आप समझ गए होंगे कि अब तक 209 मरीज कुल ठीक हुए हैं। वहीं बिहार में अब तक मरने वालों की संख्या जो है वो 23 हो चुकी है कोरोना के चपेट में आने के बाद। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज 68वां दिन है लॉकडाउन का, आज चौथे चरण की समाप्ति हो रही है, अब हमें अनलॉक की ओर बढ़ना है। 8 जून से देश में पहले चरण का अनलॉक जो है वो शुरू होगा, लॉकडाउन को अब ख़त्म करना होगा, हमें लॉकडाउन को भूलना होगा, और आपके प्रयासों से ही मंदिर मस्जिद खुलेंगे, आप जाएंगे लेकिन सतर्कता ज़रूर बरतेंगे, फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, होटलों में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, और ऐसे ही हमें उम्मीद है जिस तरीके से मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा, वो जल्द ही बिहार को कोरोना का जंग जीता देगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।